वर्षांत समीक्षा की इस रिपोर्ट के अंतर्गत आज हम यहां पर देखने वाले हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वर्षांत समीक्षा जो 2022 में उन्होंने प्रस्तुत की है। देखेंगे कि इस मंत्रालय के द्वारा क्या कार्य किए गए इस वर्ष भर में, क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, कौन सी योजनाएं इनके द्वारा संचालित की गई, कौन से प्रमुख यहाँ पर आपके डेटाज हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की इस रिपोर्ट में क्या है प्रमुख। ये बाकी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं जो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं, सभी टॉपिक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए 2022 में यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, जिसमें सबसे पहला एक मुद्दा आता है कि आर्थिक रूप से जो यहाँ पे कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे एक आरक्षण का इसमें आप मुद्दा देख सकते हैं। और इस मुद्दे में अगर आप देखें तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 15, 6 और 16 6 में यहाँ पर इसे शामिल किया गया है, जिसके तहत राज्यों की सरकारी नौकरियों, सरकारी शैक्षिक संस्थानों में EWS के लिए 10% यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय नवंबर 2022 में संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को भी बरकरार रखा है। तो फाइनली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा आया, वो यहाँ पर फाइनली एक न्यायालय की तरफ से, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी उसे वैधानिकता प्रदान की जा चुकी है। दूसरा यहाँ पे देखिए तो नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर भी ये चर्चा में रहे हैं। इसके लिए मंत्रालय के द्वारा 2020 में इसे लॉन्च किया गया, व्यापक एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण इसके लिए कराया गया, जो कि आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आधार ने यहाँ पर देखें तो उन्होंने इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स दिए और 372 सबसे कमजोर जिलों की यहाँ पर पहचान की गई है। इसका उद्देश्य ये था कि उच्च शैक्षणिक जो संस्थान हैं, जनता हैं, विश्वविद्यालय परिसर हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना है, ऐसी आबादियों पर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है, उनकी पहचान करना है और मादक द्रव्यों और उपयोग के बारे में वहाँ पर उनको जागरूकता यहाँ पर प्रदान करना है, ताकि लोग इसके बारे में थोड़ा सा परिचित हों और इसके क्या नुकसान इत्यादि हैं उससे भी। उपलब्धि क्या रही तो देखा जाए तो 3 करोड़ से अधिक युवाओं और करीब 2 करोड़ से अधिक महिलाओं, टोटल देखा जाए तो 9.3 करोड़ लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया जा चुका है। इसमें देखा जाए तो NCC युवाओं और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने, उन्हें शामिल करने, नशे से आज़ादी एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम, नया भारत नशा मुक्त भारत जो है NMBA के द्वारा NCC के साथ यहाँ पर संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नए नए कार्यक्रमों को आयोजित करना, उनके माध्यम से जागरूक करना, कुछ नई थीम देना, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दिया गया एक नारा है, नया भारत नशा मुक्त भारत, और एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया गया जो संवाद कार्यक्रम है, जो NCC युवाओं के साथ मिलकर इसमें चलाया गया है। इसके अतिरिक्त नशीली दवाओं के मांग में यहाँ पे कमी लाने हेतु एक योजना जो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्य योजना है, NAPDDR, एक ऐसी योजना है जिसमें तहत राज्य सरकारों के एक वित्तीय सहायता इसके लिए प्रदान की जाती है, ताकि वहाँ पर वो अपने स्टेट्स में इसको किस तरीके से यहाँ पे निगलेक्ट करना है, उससे लोगों को जागरूक करना है। इसमें हम राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों को इसमें हम सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति निवारक शिक्षा प्रदान करना, जागरूकता प्रदान करना, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें परामर्श उपचार उपलब्ध कराना, पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना, ये सारा जो काम यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी यहाँ पर मंत्रालय के द्वारा लेकर आया गया इस वर्ष। देखा जाए तो ये राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति एक योजना है और इसको लेकर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उनके माध्यम से अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतु जनजातियां हैं, भूमिहीन आपके खेतिहर मजदूर हैं, पारंपरिक जो कारीगर हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था है लेकर आई गई है कि उनको विदेशों में अध्ययन करने के लिए, ठीक है, विदेशों में देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसे लेकर आया गया है। इस योजना के चयनित उम्मीदवारों को विदेशों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए तो वहां पर भेजा जाएगा। साथ ही सरकार उस देश के एक अधिकृत निकाय के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों और आपके PhD करने वाले छात्रों को यहाँ पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। देखा जाए तो 2021-22 से दो NOS से के तहत सीटों की संख्या भी बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 125 की जा चुकी है।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया गया है, जो कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC के माध्यम से यहाँ पर प्रदान एक मान्यता प्राप्त जो भी विश्वविद्यालय संस्थान कॉलेज जो विज्ञान मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में MPhil PhD और ऐसे उच्च कह सकते हैं डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या अध्ययन वहाँ पे कर रहे हैं उनको ये फेलोशिप यहाँ पे प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना भी यहाँ पर लेकर आया गया है। इसे तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को विलय करके तैयार किया गया है। इसमें है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपभोग के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों को समाहित करके एक नई योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पे है अनुदान सहायता घटक। अनुदान सहायता घटक में देखें तो लाभार्थी परिवार के लिए जो वित्तीय सहायता है यहाँ पे 10,000 रुपये से बढ़ाकर इसे 50,000 रुपये आपको कर दिया गया है और यहाँ पे परिसंपत्ति लागत का ये करीब 50% होगा। इसमें एक वेब आधारित पोर्टल भी बनाया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से देखिए वार्षिक जो कार्य योजना है उसको प्रस्तुत करना, उनका मूल्यांकन करना, अनुमोदन करना और निगरानी करना, ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। इसी तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त विकास निगम भी यहाँ पर है। इनके द्वारा 1992 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत यहाँ पर 2013 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य है पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए आर्थिक विकास और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इनकी उपलब्धियों को अगर आप देखें तो 2022 में देखा जाए तो 1.2 लाख से अधिक लाभार्थियों को करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए जा चुके हैं। अगला इसमें डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के बारे में। ये सिविल सेवा परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों को कोचिंग देने से संबंधित ये योजना है। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पर इसके लिए शुरू की गई है, जिसमें 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये लागू है। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा योजना के 173 लाभार्थियों को डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा योजना को यहाँ पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और अंतर जाति विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉक्टर अंबेडकर योजना से 218 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। तो तीन यहाँ पर देखिए तो आपको डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा तीन अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक सिविल सेवा परीक्षा के लिए, एक चिकित्सा योजना के तौर पर और एक यहाँ पे अंतर जाति विवाहों के लिए। इसके अतिरिक्त लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ लॉन्च की गई है। क्या है इसमें तो देखा जाए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक अन्य संगठनों को सहायता अनुदान देना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर इसे लागू करना है। इनको शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गैर सरकारी संगठनों को इसमें वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाएगी और यहाँ पे श्रेष्ठ जो मोड है एक के तहत एक नया घटक योजना भी यहाँ पर इसमें जोड़ा गया है, जिसमें हर साल देश में एक निर्दिष्ट संख्या में मेधावी अनुसूचित छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात NTA द्वारा अनियोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्च श्रेणी के हाई स्कूलों हेतु यहाँ पर चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल संपन्न हितग्राही या PM दक्ष योजना देखिए यहाँ पर। इसमें PM दक्ष योजना के तहत आपको SJE विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो भी निगम आते हैं, जैसे कि आपके NSFDC है, NBCFDC है और NSKFDC के माध्यम से SC, OBCs, DNTs, कचरा बिनने वाले, सफाई कर्मचारी और उनसे वंचित व्यक्तियों को यहाँ पे कौशल युक्त बनाया जाएगा। इसके तहत यहाँ पे लक्ष्य 2022-23 के तहत करीब 20,600 लोगों को इसमें यहाँ पे शामिल करना है और उनको यहाँ पे प्रशिक्षण देना है। उपलब्धियों के तौर पर देखा जाए तो करीब 19,553 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्राधिकरण कार्यक्रमों के तहत ऑलरेडी मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नमस्ते। नमस्ते की अगर उपलब्धियों की बात करें तो ये कौशल विकास से ये भी जुड़े हैं, प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसमें भी 3,944 मैला ढोने वाले और आश्रितों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए तो अपस्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 8,396 सफाई कर्मियों को इसमें शामिल किया गया है और सामान्य स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए 445 मेला ढोने वाले आश्रितों को करीब 8.17 करोड़ रुपए की यहाँ पर सहायता दी जा चुकी है। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर के लिए भी
योजना यहाँ पर आप चला रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक चिकित्सा पैकेज यहाँ पे प्रदान किया जाएगा 2022 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत एक समझौता ज्ञापन पे इसमें ऑलरेडी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस पैकेज के तहत यहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संक्रमण संबंधी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है, और जिसमें हार्मोन थेरेपी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए कवरेज इसमें प्रदान किया जाएगा जो संपूर्ण नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के बाद की औपचारिकताएं इसमें शामिल की गई हैं। इसमें सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा। तो ये यहाँ पर वर्षांत समीक्षा 2022 की कड़ी में आज हमने यहाँ पर ये दूसरा वीडियो देखा एक मंत्रालय का। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी एक और मंत्रालय को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनको देखिएगा ज़रूर, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इनका जो कंटेंट है वो ज़रूर यहाँ पर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करंट एस्पेक्ट से आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, परीक्षा में आपको पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।